राम राम जी सारे ना। तो कैसे हो सारे, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए हम जा रहे हैं गांव मातंड। मातंड गांव भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत खंड गोहाणा का एक गांव है। मातंड गांव की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए गांव की जानकारी शुरू करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि मातंड गांव खंड तहसील गोहाणा के अंदर आता है और यह गोहाणा तहसील से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये गांव जिला मुख्यालय सोनीपत से लगभग 52 किलोमीटर, राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 182 किलोमीटर व देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पहुंचे हैं गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की ओर। इस विद्यालय के सामने ही गांव का पशु चिकित्सालय केंद्र भी बना हुआ है। ये है विद्यालय का मुख्य द्वार और ये है सामने ही बना गांव का पशु चिकित्सालय केंद्र। इस गांव के नज़दीकी गांव एंचरा कला, जागसी, कुराना, भुसाना, चतेरा, अहमदपुर माजरा आदि हैं और इन सभी गांव के लिए गांव से पक्की सड़कें भी निकली हुई है। गांव के अंदर दादा महर्षि मार्कंडे जी का मंदिर व एक कुंड भी बना हुआ है। महर्षि मार्कंडे कुंड के बारे में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को पीलिया या चरम रोग है वो व्यक्ति यहाँ पर 3 बार स्नान करने के पश्चात ठीक हो जाता है। ये है गांव के अंदर बना दादा महर्षि मार्कंडे जी मंदिर। महर्षि मार्कंडे जी जिनका वर्णन महाभारत व कई पुराणों के अंदर भी मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि महर्षि मार्कंडे जी के माता पिता ने कड़ी तपस्या कर भगवान शिव से उन्हें मांगा था और भगवान शिव ने कहा था कि अगर आपको लंबी उम्र के लिए पुत्र चाहिए तो गुण रहित होगा, अगर आपको गुणवान पुत्र चाहिए तो उसकी आयु कम होगी। तब मेरकंडू जो मार्कंडे जी के पिता थे उन्होंने कहा कि हमें गुणवान पुत्र ही चाहिए। फिर मार्कंडे जी का जन्म हुआ। उसके पश्चात 16 वर्ष की आयु में उन्हें यमराज लेने आए जब वो जंगल में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। मार्कंडे जी तपस्या में लीन थे तब यमराज जी ने अपना पास फेंका लेकिन मार्कंडे जी ने शिवलिंग सतल को अपने हाथों में जकड़ लिया। यमराज जी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उसके बाद भगवान शिव वहां पर आए और भगवान शिव ने उन्हें अमृतव का वरदान दिया। अमृतव का वरदान पाकर मार्कंडे ऋषि जी अपने माता पिता के पास चले गए और उसके बाद उन्होंने प्रभु की महिमा को पृथ्वी पर फैलाने लगे।
मार्कंडेय ऋषि जी ने ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। मैं ऋषि मार्कंडेय से जुड़ी पूरी कहानी को आप पुराणों के अंदर पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम आपको गांव की अन्य जानकारी देते हैं। यहाँ पर चौगानन माता जी का मंदिर बना हुआ है और यह गांव का राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। ये है महर्षि मार्कंडेय जी मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार जो दूसरी गली पर बना हुआ है। मातंड गांव के अंदर सभी लोग आपस में भाईचारे, सहयोग व शांतिपूर्वक रहते हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि से जुड़े अन्य कार्य हैं। यहाँ के लोगों की मातृभाषा हिंदी व बोलचाल की भाषा हरियाणवी है। इस गांव की जनसंख्या जनगणना के अनुसार लगभग 2200 बताई जाती है। मातंड गांव के नज़दीकी शहर सपीदो लगभग 21 किलोमीटर, गोहाणा 18 किलोमीटर, जींद लगभग 43 किलोमीटर, पानीपत लगभग 35 किलोमीटर, इसराणा लगभग 18 किलोमीटर व जुलाना लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के अंदर चौपाल व आंगनवाड़ी केंद्र भी बने हुए हैं। मातंड गांव का पिन कोड 131301 है। इस गांव का विलेज कोड 059627 है। मातंड गांव से चंडीगढ़ एयरपोर्ट लगभग 175 किलोमीटर व इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। महर्षि मार्कंडेय जी के दादाजी का नाम मृग सिंह व दादी जी का नाम सुवित्रा था। इसके साथ ही उनके पिताजी का नाम मृकंडू था। तो आप हमें बताइए कि उनकी माताजी का क्या नाम था। यहाँ पर गांव का दादा खेड़ा मंदिर बनाया गया है। महर्षि मार्कंडेय जी कुंड के पास एक जंगल टाइप सा है, तो आपको इसके अंदर ले चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दिया है। आइए आपको मंदिर का दृश्य दिखाएंगे। तो ये है कुंड के पास जंगल के अंदर बना एक मंदिर। गांव मातंड लगातार प्रगति के पथ की ओर अग्रसर है।
तो ये थी मातंड गांव से जुड़ी वीडियो व जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप किस गांव से हैं वो भी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मातंड गांव की जानकारी में कुछ भी छूट जाता है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप उस जानकारी को दूसरों के सहयोग के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि उस जानकारी से अन्य किसी की सहायता हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर वाले बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य गांव की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।